हरियाणा को अपराध मुक्त करने का, हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का, उस पर खट्टर साहब काम करेंगे तो करेंगे, नहीं तो हरियाणा की जनता खट्टर साहब का काम कर देगी। ऐसा लगता है कि यहाँ पे मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे। कोरोना के अंदर होम आइसोलेशन का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, और फिर धीरे धीरे जब ये बीजेपी वालों ने पहले मजाक उड़ाया, फिर हिंदुस्तान के सारे राज्यों ने माना और दुनिया के लोगों ने माना। जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सरेआम गोलियां मार दी जा रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार प्रमुख पन्नों पर छपता जा रहा है, किसान परेशान है, लगभग एक साल से आंदोलन पे है और 6 महीने से ऊपर बॉर्डर पे बैठे हुए हो गए हैं, लगातार शहादत देते जा रहे हैं। कल भी खटखट बॉर्डर पे टोल पे एक किसान ने अपनी शहादत दी है, परंतु सरकार उदासीन है, सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 6 साल में एक नया उद्योग हरियाणा में नहीं लगा है, बेरोजगारी चरम पे है, युवक रोजगार न मिलने की वजह से गुनाह के रास्ते पर चल पड़ा है, परंतु खट्टर साहब जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर नहीं निकल पा रहे। हरियाणा किस तरीके से परेशान है, व्यापारी का व्यापार ख़त्म हो चुका है, और कोरोना के अंदर ना लोगों को इलाज मिला, ना दवाइयां मिली, ना हॉस्पिटल के बेड मिले, ना मेडिकल सुविधाओं का विस्तार किया, ना ही शिक्षा का विस्तार किया। दोनों चीज़ों के लिए लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं। दिल्ली मॉडल की तारीफ आज हरियाणा का बच्चा बच्चा कर रहा है। आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप के अंदर तेज़ी से उभर के आ रही है। हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को अपनी वेटेज देते जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के लोगों को बुला के खुद हर रोज़ नई ज्वाइनिंग आम आदमी पार्टी के अंदर हो रही है। हम आगामी चुनाव पे चर्चा करने के लिए आज यहाँ कैथल में इकट्ठे हुए हैं कि कैथल ज़िले में कैसे कैसे हमने चुनाव लड़ने हैं, कौन मजबूत साथी इस चुनाव के अंदर भाग लेंगे, और किस तरीके से एक मजबूत सशक्त विपक्ष के रूप के अंदर आके आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम सरकार बने। तो आप जो आप पार्टी है वो हरियाणा में नगर परिषद, नगर पालिका और सरपंची के चुनाव भी लड़ेगी? सारे चुनाव लड़ेगी और अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेगी। सर, इससे पहले भी हरियाणा में आप पार्टी ने प्रयास किए थे, जब दिल्ली में सरकार बनी थी और पार्टी बनी थी, तो उस वक्त प्रयास तो हुए लेकिन थोड़े दिन बाद पार्टी फिर दम तोड़ गई यहाँ, और जो पार्टी थी वो मतलब हाशिए पे चलेगी। अब दोबारा किस तरह से आप देखिए, हमारी 8 साल पुरानी पार्टी है, दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनी है, पंजाब में प्रमुख विपक्षी दल हैं, गोवा में हम चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात के अंदर हम निगम अभी जीत के आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में हमारी सरकार आने वाली है, उत्तराखंड में हमारी सरकार आने वाली है, यूपी में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो इतनी तेज़ी से हिंदुस्तान में आज तक कोई पार्टी नहीं बढ़ी। ये बात ठीक है कि हरियाणा के अंदर पिछला चुनाव में हमारी बहुत तवज्जो नहीं रही, परंतु एक प्रयास था, कार्यकर्ता नए नए थे, उन्होंने उस प्रयास को किया और चुनाव लड़े, और अब की बार सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़े। सर, चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या मुद्दे होंगे सर, जिससे आप चुनाव लड़ने के लिए? सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा। 27% बजट दिल्ली सरकार शिक्षा पे खर्च करती है। हर व्यक्ति हरियाणा का चाहता है कि मेरे बच्चों को दिल्ली के स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिल जाए ताकि उनकी ज़िंदगी सुधरे। दूसरा, चिकित्सा। 13% बजट दिल्ली सरकार खर्च करती है, केंद्र सरकार 2.5% बजट खर्च करती है चिकित्सा के ऊपर। हमने बेहतरीन हॉस्पिटल वहाँ पे बनाए, 24 घंटे दवाई उपलब्ध रहती है, अच्छे डॉक्टर प्रशिक्षित हैं, आधुनिक मशीनें हैं, और सारे के सारे सरकारी हॉस्पिटल एयर कंडीशन बनाए ताकि जो गरीब व्यक्ति है उसको ये महसूस ना हो कि इलाज के बिना मेरे को दिक्कत है। दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान से कोई व्यक्ति जाए, खुदा ना करे, परमात्मा ना करे, वाहेगुरु ना करे कि उसका एक्सीडेंट हो जाए। अगर उसका एक्सीडेंट होता है, जब 50 लाख रुपए का खर्चा हो दिल्ली सरकार वहन करती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए, सरकारी में कराए। दिल्ली पहला ऐसा राज्य है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में महिलाओं के विकास के लिए, दिल्ली की सारी बसें सारे देश के महिलाओं के लिए मुफ्त है। दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है, लोग भूल के बिजली जाती है कभी, हरियाणा के अंदर 8-8 घंटे का कट लगता है, और दिल्ली में 200 यूनिट बिजली की हर मीटर के साथ मुफ्त है।
एक घर में 4 मीटर लगे हैं तो 800 यूनिट बिजली की मुफ्त है और बिना गरीबी और अमीरी के आधार पर हर व्यक्ति के लिए मुफ्त है। इसी प्रकार दिल्ली पहला ऐसा राज्य है कि 24 घंटे पानी मिलता है, चौथी मंजिल तक बिना मोटर के पानी सरकारी चढ़ता है और 50,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त मिलता है। जहाँ प्याऊ लगाने की हिंदू धर्म की परंपरा है, अरविंद केजरीवाल जी ने हर घर के अंदर प्याऊ लगाई है कि 50,000 लीटर पानी दिल्ली सरकार की तरफ से। अनेकों ऐसे काम है जिसको हरियाणा के लोग भी चाहते हैं कि दिल्ली मॉडल हरियाणा में आए और वो मॉडल यहाँ पे आके रहेगा। गुप्ता जी, जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा में 24 में है, पंजाब में शायद अगले साल है, वहाँ 22 में है ना? जी जी। वहाँ चेहरा आगे रख के लड़ा जाएगा या चुनाव केजरीवाल के नाम पे लड़ा जाएगा? देखिए, चेहरा तो जो चुने हुए MLA हैं वो चेहरा बनाएंगे। केजरीवाल जी का जो नेतृत्व है वो हमारा नेतृत्व है, उनकी नीतियों में उनके काम में विश्वास करने वाले व्यक्ति हर व्यक्ति हमारा चेहरा है। आम आदमी पार्टी जब से आई है, जब से लोगों के अंदर ही विश्वास जगा है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला है, चाहे वो दिहाड़ी का मजदूर है, चाहे वो एक कारीगर है, हर व्यक्ति ये विश्वास कर पाता है कि मैं भी MLA बन सकता हूँ, मैं भी मंत्री बन सकता हूँ। इससे पहले यह अमीर आदमियों की बपोती होती थी, खानदानी पॉलिटिशियन ही इसके अंदर जाते थे, परंतु अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद देश के अंदर एक विश्वास उठा है कि मैं भी पॉलिटिक्स के अंदर आ सकता हूँ और मंत्री बन सकता हूँ, सांसद बन सकता हूँ, विधायक बन सकता हूँ। तो हरियाणा और पंजाब में क्या आप पार्टी किसी के साथ समझौता करेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि भ्रष्ट और करप्ट ये पार्टियाँ हैं, इनके साथ किसी के साथ कोई समझौता नहीं करना, अकेले लड़ेंगे, हिंदुस्तान के बदलने के लिए लड़ेंगे, हिंदुस्तान की व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ेंगे और उस व्यवस्था को जैसे दिल्ली के अंदर हमने बदला है, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है, जनमानस के पास सुविधाएं पहुंचाई हैं, वो सारे काम पूरे देश के अंदर हो और उसी कड़ी में हरियाणा के अंदर। संदेश कल दुष्यंत चौटाला ने एक बयान दिया है, जो किसान आंदोलन है वो राजनीतिक रूप ले चुका है और जो किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, जिस सीढ़ी पे पैर रख के दुष्यंत चौटाला सत्ता तक पहुंचा था, उस सीढ़ी को ऊपर जाके उसने धक्का दे दिया। जो किसान की वोट लेके दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बना, जिस BJP की नफरत के कारण उसको वोट मिली, आज वो उन लोगों से नफरत करने लगा है और वो लोग दुष्यंत चौटाला से नफरत करने लगे हैं क्योंकि उसने विश्वासघात किया। किसान का वोट चौधरी देवीलाल ने जो पूरी जिंदगी किसान के लिए लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी को शहादत दी, ऐसे खानदान से संबंध रखने के नाते दुष्यंत जी को किसानों ने वोट दी थी, परंतु आज एक भी किसान दुष्यंत जी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। सर, पेट्रोल डीजल के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? महंगाई इस देश में चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, डीजल और पेट्रोल 100 के पार हो चुका है, रसोई गैस का सिलेंडर 800 रुपये के पार कर गया है, सरसों का तेल 200 रुपये के पार कर गया है, हर चीज़ के अंदर रसोई का बजट बिगड़ चुका है। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई, एक तरफ व्यापार खत्म और दूसरी तरफ महंगाई, पूरा हिंदुस्तान त्रस्त है और हरियाणा का एक एक व्यक्ति इस महंगाई की मार से परेशान है। ना खट्टर साहब पे इसका असर हो रहा, ना मोदी साहब पे असर हो रहा, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान की लड़ाई लड़ते हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सपने दिखा के लोगों को बांटते हैं, ये हरियाणा के अंदर जाति का जहर घोलते हैं, हरियाणा के अंदर लोगों को जाति और धर्म के नाम पे बांट के ये प्रशासन ये चाहता है कि लंबी लड़ाई लंबा चल पाएगा, ऐसा लगता है कि यहाँ पे मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे। सर, हरियाणा की राजनीति बाकी राज्यों से सर बिल्कुल अलग है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जाति और व्यक्ति व्यक्ति मतलब चेहरा तो उस पर बहुत ज़्यादा आधारित है, तो क्या आपको नहीं लगता कि मुद्दे की राजनीति यहाँ पे मतलब अब ये जाति और धर्म की राजनीति से देश के लोग त्रस्त हो चुके हैं, बहुत खेल खिला लिया BJP ने हिंदू और मुसलमान का, बहुत खेल खिला लिया इन्होंने पंजाबी का, जाट का, ब्राह्मण का, बनिए का, अब वो वक्त चल गया है, लोग अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को पसंद करने लगे हैं, अब काम की राजनीति होगी, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा इस देश के अंदर। नई पीढ़ी इस बात को समझने लगी है कि ये राजनीतिक परंपरागत राजनीतिक दल जाति और धर्म के नाम पे हमें परेशान करके रखे हुए हैं,
और इस देश को विकसित होने के रास्ते में रोड़े अटकाए हुए। कांग्रेस के बारे में आप क्या कहेंगे सर? कांग्रेस का दोगला चेहरा अब किसानों के सामने भी आ गया है। 26 जून को जब किसानों ने राजभवनों का घेराव का समय रखा तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि ये एमरजेंसी की तारीख थी। एमरजेंसी गलत थी तो कांग्रेस को भी कहना चाहिए गलत थी, और इस तारीख से इतना परहेज क्यों है? किसानों के साथ जाना चाहिए। कांग्रेस की अंदरूनी कलह सबके सामने है। कांग्रेस या तो चुनाव इस देश के अंदर जीतती नहीं है, और जीतती है तो मोदी जी जेल की फाइल उनको दिखाते हैं और वो सारे के सारे बिक जाते हैं। बीजेपी बोलती है या तो अंदर जाओ पैसे ले, और नहीं तो पैसे लेके हमारे पास आओ। दोनों चीज़ों में से जो रास्ता उनको आसान लगता है वो पार्टी ज्वाइन करने का आसान लगता है। ये चीज़ें आपने राजस्थान के अंदर झलक देखी, या आपने मध्य प्रदेश में बनी बनाई सरकार पलटते हुए देखी, या आपने गोवा के अंदर देखा, ये हर राज्य के अंदर इनका है। और अब पंजाब के अंदर खुद जो कैप्टन हरमिंदर सिंह है वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है, और आज कांग्रेस के ऊपर खुद वो हैवी हो चुका है, क्योंकि बीजेपी की अमित शाह की और कैप्टन हरमिंदर की साठ गांठ है, और उस साठ गांठ के अंदर किसान भी परेशान है और वहाँ की कांग्रेस भी परेशान है। सर, केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच कहानी हुई है। केजरीवाल ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती, और बीच में कुछ उनके अधिकारों का भी हनन किया गया। केंद्र सरकार ये कहती है कि केजरीवाल ठीक से काम नहीं कर रहे। दोनों के अंदर काफ़ी लंबे समय से वाक युद्ध भी चला हुआ, क्या कहेंगे? केजरीवाल एक दूरदर्शी मुख्यमंत्री है, जो वो योजनाएं लागू करता है बीजेपी उसकी नकल मारती है और कांग्रेस भी उसकी नकल मारती है। सबसे पहले 200 यूनिट देश के अंदर दिल्ली सरकार ने फ्री देने शुरू करी बिजली, आज बाकी राज्य भी कह रहे हैं। कोरोना की लड़ाई चली, कोरोना के अंदर होम आइसोलेशन का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, और फिर धीरे धीरे जब ये बीजेपी वालों ने पहले मजाक उड़ाया, फिर हिंदुस्तान के सारे राज्यों ने माना और दुनिया के लोगों ने माना। केजरीवाल जी ने कोरोना के अंदर प्लाज्मा थेरेपी का मॉडल दिया, सबसे पहला ब्लड बैंक प्लाज्मा बैंक दिल्ली के अंदर आईएलबीएस हॉस्पिटल के अंदर बनाया, और उसकी नकल मार के बाद में अमेरिका के अंदर बना और देश के बाकी हिस्सों के अंदर बना। केजरीवाल जी ने राशन डोर स्टेप डिलीवरी लोगों को घर पे शुरू करी, जो राशन माफिया का राज खत्म उसके केंद्र सरकार ने उसको रोक दिया। क्या गरीब का राशन उसके घर पे पहुंचाना अपराध है? अगर अपराध है तो ये अपराध हम रोज करेंगे। जब कोरोना आ रही थी तो केजरीवाल ने कहा था कि ऑक्सीजन की भारी कमी आने वाली है, इस देश के लोगों को सचेत किया था, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बोला था कि आप ऑक्सीजन का इंतजाम रक्षा मंत्रालय के हाथों में दो, सेना के हाथों में दो, सेना के निर्देश के अंदर देश के हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, और उस बात को लाइव किया था। उस समय बीजेपी के लोगों ने हाहाकार मचाया कि प्रधानमंत्री जी की मीटिंग को इन्होंने लाइव कर दिया। चार दिन बाद पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी से लोग मरने शुरू हुए। क्या अरविंद केजरीवाल जी की उस दूरदर्शी को तारीफ करनी चाहिए थी या उसका मजाक उड़ाना चाहिए था? अगर लोगों की जान बचाने के लिए हमें कुछ भी काम करना पड़ेगा हम करेंगे। दिल्ली को विकसित करने के लिए, हिंदुस्तान को विकसित करने के लिए, हिंदुस्तान को अपराध मुक्त करने के लिए, हिंदुस्तान को जो ये घोटाला मुक्त करने के लिए अगर अरविंद केजरीवाल जहां तक भी लड़ाई लड़ेंगे, आम व्यक्ति पूरे देश का उनके साथ है और वो लड़ाई लगातार जारी रहेगी। जी सर, खट्टर साहब ने जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल जी पे अभी आरोप लगाया कि वैक्सीन जल्दी जल्दी खत्म करें केजरीवाल जी, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? खट्टर साहब ये भूल गए कि वैक्सीन बचाने का जमाना नहीं है, देश के लोगों की जान बचाने का जमाना है। खट्टर साहब ने कहा था कि 50,000 वैक्सीन मिलती है उससे गुजारा करो, ये भूल गए कि हरियाणा की आबादी 3 करोड़ है और 600 दिन के अंदर 50,000 वैक्सीन प्रतिदिन लगाने से हरियाणा के लोगों को वैक्सीन लग पाएगी? क्या 600 दिन तक हरियाणा के युवाओं को मारना चाहते हैं? क्या 600 दिन तक हरियाणा के लोगों को बचाना नहीं चाहते? और खट्टर साहब एक बार बयान देते और उस बयान पे फिर मुकर जाते हैं।
मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, अरे सारे मीडिया के सामने ये कहा। आपने थोड़े दिन पहले उनका बयान सुना होगा, जो मर गए उनके आंकड़े इकट्ठे करने की क्या जरूरत है। अरे हरियाणा प्रदेश के इंसान मरे थे, उनका आंकड़ा अगर आप नहीं रखेंगे, इस सरकार का नैतिक दायित्व बनता है। खट्टर साहब मेरे ख्याल रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके हैं, उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। जाति धर्म की राजनीति का समय नहीं रहा है, समय विकास का, समय शिक्षण संस्थानों को बढ़ाने का, समय अच्छे हॉस्पिटल बनाने का, समय भाईचारा कायम करने का समय है।